हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम व्रत स्पेशल अपने बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ कच्ची मूंगफली की गिरियां ली हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और जो मूंगफली की गिरियां हैं वो कढ़ाई में डालकर हम इसे भून लेंगे। लो फ्लेम पर हम ये इसे भूनना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे सेका है। एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए, जो मूंगफली हमने सेकी है वो ठंडी हो चुकी है। ठंडा होने पर इसका छिलका आसानी से उतरने लग जाता है। सेकी हुई मूंगफली को हमने ग्राइंड कर लिया है। 3 आलुओं को हमने उबाल लिया है और उसका छिलका उतार लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। इसमें हम जो मूंगफली हमने सेकी थी और ग्राइंड करी थी उसे डाल देंगे। इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे। सेंधा नमक हमने यूज़ किया है। व्रत में हम सेंधा नमक खा सकते हैं। और हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। हमने आधा चम्मच से कम ब्लैक पेपर डाली है। इसके अंदर हम धनिया पत्ती डालेंगे को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और ये जो हमने मिश्रण बनाया है ये सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करोगे तो ये प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आलू का मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अप्पे के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। हमने काजू की कुछ टुकड़ियाँ ली हैं और किशमिश ली है, और जो हमने पनीर है उसको हमने इस तरह से बारीक चंक्स में काटा है। अब हम पनीर की स्टफिंग बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। व्रत में हम चिली फ्लेक्स खा सकते हैं। हमने इसके लिए रेसिपी दी हुई है, आप रेसिपी को देख सकते हैं कि व्रत में हम किस तरह से चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। हाथ पर हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जो आलू का हमने मसाला बनाया है उसकी बॉल्स बनाएंगे। तरह से हम इसकी बॉल बना लेंगे। हमें इसकी स्टफिंग करनी है। अब हम इसी तरह से इसे फ्लैट कर लेंगे ताकि हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग कर सके। देखिए, इस तरह से हमने इसको बिल्कुल फ्लैट बना लिया है। अब हम इसके अंदर पनीर के चंक्स डालेंगे जिसको हमने रेड चिली फ्लेक्स सेंधा नमक से रेडी किया है, और इसके अंदर काजू की टुकड़ी और किशमिश डालेंगे और इसे कवर अप कर देंगे। इसी तरह से हम सारी अपनी अप्पे की बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। फर्स्ट स्टैंड गैस पर चढ़ा देंगे। अंदर हम सिंघाड़े का आटा डालेंगे। अप्पा स्टैंड में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। मूंगफली का ऑयल इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, ये हम व्रत में खा सकते हैं। अब जो हमने बॉल्स बनाई हैं, जो हमने आटा लिया है उसके अंदर उसे डिप करेंगे और उसे कवर कर देंगे अच्छे से आटे से। देखिए किस तरह से हमने इसे कवर कर दिया है। अब हम इसे अप्पम स्टैंड में रख देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स आटे से कवर करेंगे। सिंघाड़े के आटे को हमने यूज किया है इसमें, हम व्रत में खा सकते हैं इसे, और इसे इसके अंदर रख देंगे। इसी तरह से हम सारी बॉल्स रख देंगे। सारे हमने व्रत स्पेशल अप्पे अप्पम स्टैंड में डाल दिए हैं। हमने लो किया हुआ है इसके लिए, इसमें बनाना बहुत ही इजी है। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से इसके डाल देंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। 2 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। अब हम इसे एक एक करके पलटना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बिल्कुल स्लोली स्लोली हम इसे पलटेंगे। सारे अप्पे हम इसी तरह से पलट लेंगे। इस साइड को भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से सेकेंगे। देखिए, इसी तरह से हम इसे उलट उलट करके सारी साइड से अच्छे से बना लेंगे। व्रत में ये अप्पे बनाना बहुत ही इजी है और खाने में भी ये काफी टेस्टी बनते हैं। ये अप्पो में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। देखिए, हम इसे चम्मच की सहायता से बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके चम्मच को और निकाल लेंगे इसे। अप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। एक अप्पे को हम आपको काट कर दिखाएंगे जो हमने स्टफिंग की है। देखिए, हमारी स्टफिंग इसमें प्रॉपरली दिख रही है। व्रत की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।